अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एका की जरूरत है, मेल की जरूरत। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। सीधे सरल इंसान थे, वे देश की पहचान थे। सीधे सरल इंसान थे, हो युद्ध या हो शांति, वे हर समय एक समान थे। वे दीन दुखियों के लिए विश्वास थे, वरदान थे। सीधे सरल इंसान थे, जो युद्ध में थे वे उन्हीं के साथ एक जवान थे। जो खेत में थे वे उन्हीं के साथ एक किसान थे। जो भी जिए पूरा जिए, वे मौत पर मुस्कान थे। वे देश की पहचान थे, सत्यम शिवम और सुंदरम से पूर्ण हिंदुस्तान थे। वे देश की पहचान थे, सीधे सरल इंसान थे। वे देश की पहचान थे। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे, तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राजी हुआ। जो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर यह काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की है। इस सबसे पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी है। वो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। हमने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम उनका भला चाहते हैं। इस लड़ाई में भी हमने यही कोशिश की कि पाकिस्तानी फौजी मशीन पर वार किया जाए। हमने पाकिस्तान के शहरी लोगों पर बम नहीं गिराए, हमने लाहौर पर गोलाबारी नहीं की, पूर्वी बंगाल के हवाई हमलों का भी जवाब नहीं दिया, हमने कराची पर भी हमला नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के ज्यादातर हवाई जहाज वहीं से उड़कर
हमारे मुल्क पर हमला करने आते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक गैर फौजी हवाई जहाज पर हमला किया, जिस पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर और उनकी पत्नी सफर कर रहे थे, और इस जहाज का पीछा कर इसे नीचे मार गिराया। पाकिस्तान ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब की निहत्थी नागरिक जनता पर भी बमबारी की। पहले से स्कीम बनाकर हमारे ऊपर भारी हमला करके हमको उसका जवाब देने पर मजबूर कर देने के बाद पाकिस्तान जानबूझकर ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को खत्म करने पर तुला हुआ। इससे ज्यादा गलत बात और कोई हो नहीं सकती। पाकिस्तान ने ही पिछले 17 सालों में 3 बार भारत पर हमला किया है। पाकिस्तान ही हमारी सेक्युलरिज्म को नष्ट करना चाहता है। पाकिस्तान ही हमारे देश की जनता में भेद डालने के लिए सांप्रदायिकता का डर खड़ा करता है। हमारी फौज और एयरफोर्स के बहादुरों ने बराबर मिलकर काम किया और हमारे अफसरों ने लड़ाई के मैदान में और हवाई लड़ाई में अपने सैनिकों का खुद नेतृत्व किया, उनकी रहबरी की। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लड़ाई के मैदान से उनकी वीरता के कारनामों की खबरें आई हैं। सारा मुल्क उनके ऊपर नाश करता है और उनका दिल से कृतज्ञ है और एहसान मानता है। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे मालूम है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। मैं भारत की पुलिस के बहादुरों का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्हें पाकिस्तानी हमलावरों और छाता सैनिकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। कई जगह उन्हें हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमलावरों का सामना करना पड़ा। इस काम में उनमें से अनेक को अपनी जान भी निछावर करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से भारतीय पुलिस के इतिहास तारीख में एक शानदार अध्याय जोड़ा है। इस परीक्षा इम्तिहान की घड़ी में सरकार को सबसे बड़ी ताकत अपनी जनता की एकता से मिली है, जो एक साथ मिलकर देश के प्रति अपना फर्ज अदा करने के लिए आगे बढ़ी। भारत बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी विशाल है। हमारे देश में बहुत से संप्रदाय और फिरके हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जबानें बोली जाती हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी को अपने धर्म और मजहब पर चलने की पूरी आजादी है, मगर हम सब मिलकर एक मजबूत कौम है। इसका सबसे बड़ा सबूत इन नाजुक दिनों में देखने को मिला है। पंजाब इस मामले में बहुत आगे रहा है। पंजाब के लोगों ने बड़ी हिम्मत, डिसिप्लिन और संगठन से काम लिया है। उनका हौसला बहुत ऊंचा रहा है। सीमा के और इलाकों के लोगों ने भी हिम्मत और जवाबमर्दी से काम किया है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से नागरिक इस बमबारी से हताहत हुए हैं। इन क्षेत्रों की जनता की कुर्बानियां और बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। उन्होंने पूरे देश की तरफ से जवाब दिया और सारे मुल्क की जनता उनका आभार मानती है। जो लोग आजादी के लिए शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के लिए मैं आदर के साथ अपनी हमदर्दी और शोक प्रकट करता हूँ। इन शहीदों के घर वालों का दुख हल्का करने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी। जैसा मैंने कल पार्लियामेंट में बताया, चीन की धमकी अब भी हमारे सामने है और आगे वे क्या करेंगे इसे वे ही जानते हैं। लेकिन हमको चाहे जिस ओर से भी खतरा आए, उसका शक्तिपूर्वक मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। हाल की घटनाओं से हमको अगर कोई सबक मिला है तो ये कि जहां तक हो सके हमें अपने ही ऊपर भरोसा करना होगा। आखिर में मुल्क की अपनी ताकत ही काम आती है और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ये काम चंद लोगों के करने का नहीं, यह आप सब भाई बहनों का काम है। हरेक को ये समझना है कि जिम्मेदारी का क्या अर्थ और क्या मानी है और हमें क्या करना है। जब 5 अगस्त 1965 को
पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसने कुछ बातों को सोचकर ये कार्रवाई की थी। पहले तो उसने ये सोचा था कि कश्मीर में किसी किस्म का विद्रोह या बगावत हो जाएगी। दूसरे उसने ये भी उम्मीद की थी कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक या फिरकेवाराना झगड़े फसाद होंगे। पाकिस्तान के मंसूबों को सबसे बड़ी चोट जम्मू कश्मीर राज्य के बहादुर बाशिंदों ने पहुंचाई। उन्होंने बड़ी एकता और जमा मर्दी के साथ हमले के पहले धक्के का सामना किया। उन्होंने अपने राज्य की सरकार का, जिसके चीफ मिनिस्टर सादिक साहब हैं, पूरा साथ दिया। मुल्क की रक्षा करने वाले फौजों को भी अपनी पूरी मदद पहुंचाई। पाकिस्तान की दूसरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पाकिस्तानी हमले से हमारे मुल्क की मजबूत भीतरी एकता और भी उभर कर ऊपर आई। हमें इसी भाव को, इसी जज्बे को बनाए रखना है। हमें अपनी कोशिशों में, अपने कामों में तनिक भी ढील नहीं आने देना है। हमें खबरदार और सावधान रहना है। जो भी संकट या खतरा अपने मुल्क पर आवे, उसमें हर स्त्री पुरुष, मर्द औरत और बच्चे को अपनी जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करना है। जीत हमारी है और होकर रहेगी। जय हिंद।